मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक वर्गों की संरचना पर। भारत में जो सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं उनकी संरचना क्या रही, किस प्रकार से वर्ग बने, किस प्रकार से अस्तित्व में आए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत में सामाजिक संस्तरण अति प्राचीन काल से वर्ण पर आधारित था। जब वर्णों से जाति व्यवस्था का विकास हुआ तो जाति ही संस्तरण का आधार बन गई। वर्ग के आधार पर भारत में सामाजिक स्तरीकरण अपेक्षतया नवीन है। पश्चिमी देशों में वर्ग ही सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण का प्रमुख आधार है, जबकि भारत में नहीं। वर्ग व्यवस्था से भारतीय समाज का परिचय अंग्रेजों के आगमन, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं नवीन आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हुआ। पूर्व में जो भारत में व्यवस्थाएं पाई जाती थी वो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। अंग्रेजों के आगमन के बाद, या ये कह दें कि पश्चिमी देशों से संपर्क होने के बाद, भारत में जो सामाजिक वर्ग की संरचना थी वो धीरे धीरे उभर कर आई। भारत में वर्ग संरचना जाति संस्तरण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जनगणना एवं अन्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में आय तथा कृषि एवं गैर कृषि व्यवसाय को वर्ग विभाजन का आधार माना गया है। प्राचीन समय से ही भारत में वर्ग रचना के आधारों में उत्पादन प्रणाली, संपत्ति पर स्वामित्व, शहरों की वृद्धि, बाजार और बैंक व्यवस्था तथा शक्ति आदि प्रमुख कारक रहे हैं। भारत में वर्गों का रूपांतरण ईसा से 600 वर्ष पूर्व आर्यों एवं अनार्यों के सांस्कृतिक मिश्रण के समय प्रारंभ हुआ। इसी समय कृषि में स्थिरता आई, व्यापार बढ़ा, शहर बने एवं व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा पनपी। शहरों में गिल्ड व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने दस्तकार वर्ग को जन्म दिया। धीरे धीरे व्यवसायों को आर्थिक सहायता देने वाले साहूकारों का भी एक वर्ग बना और मुगल काल तक यह व्यवस्था बनी रही। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और उनकी आर्थिक राजनीतिक नीतियों के कारण भारत की प्राचीन वर्ग संरचना में परिवर्तन हुआ। उनकी भूमि संबंधी नई नीति ने जमींदारी एवं जागीरदारी व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था ने तीन वर्ग पैदा किए, जमींदार एवं भूस्वामी वर्ग, जोतकार एवं कृषि मजदूर। ये तीन वर्ग थे जो जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बाद हमें समाज में देखने को मिले। पहला था जमींदार एवं भूस्वामी वर्ग, जिसके पास भूमि हुआ करती थी, भूमि का स्वामी था, उसको हम जमींदार एवं भूस्वामी कहते हैं। दूसरा है जोतकार वर्ग और तीसरा है कृषि मजदूर। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रमुख दो वर्ग बने, एक रैयत भूस्वामियों का एवं दूसरा रैयत कृषकों का। भूस्वामी वर्ग के लोग स्वयं कृषि नहीं करते थे, वरन अपनी भूमि को दूसरों को लगान पर देते थे। जोतकार भूस्वामी को लगान देकर कृषि का कार्य करते थे। अंग्रेजी राज्य में शोषण की यह व्यवस्था छोटे मोटे असंतोष एवं आंदोलनों को छोड़कर चलती रही। इस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय समाज में हमें अनेक प्रकार के वर्ग देखने को मिले। जिस प्रकार का राज्य हुआ, जिस प्रकार के शासक हुए, उसी प्रकार के वर्ग समाज में बनते चले गए। अनेक समाजशास्त्रियों ने भारत में वर्ग व्यवस्था का अध्ययन किया और उन्होंने उन वर्गों के बारे में बताया। जैसे थॉर्नर ने मालिक एवं साहूकार, इन दो वर्गों का उल्लेख किया है। कोटोवस्की ने बुर्जुआ पूंजीपति प्रकार के भूस्वामी, धनी कृषक, भूमिहीन कृषक एवं कृषि मजदूर, इन पांच वर्गों का उल्लेख किया। गाडगिल ने भी गांवों में दो वर्ग, भूस्वामी साहूकारों एवं कृषि करने वालों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार आर के मुखर्जी ने गांवों के 9 व्यावसायिक समूहों को 3 वर्गों में विभक्त किया और ये 3 वर्ग थे, भूमिपति एवं निरीक्षक किसान, दूसरा आत्मनिर्भर कृषक और तीसरा कृषि मजदूर। ये 3 वर्ग जो हैं वो आर के मुखर्जी ने बताए हैं।
भूमिपति एवं निरीक्षक किसान जिसके पास भूमि हुआ करती थी केवल निरीक्षण का कार्य किया करते थे। दूसरा आत्मनिर्भर कृषक, जो व्यक्ति अपनी कृषि पर अपना कार्य कर रहा है अपनी भूमि पर। और तीसरा कृषि मजदूर, जो मजदूरी के रूप में कृषि किया करते थे। आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और भूमि सुधार के कानूनों के कारण ग्रामीण वर्ग संरचना में परिवर्तन आया। सामंती एवं प्रथागत भूमि की जोत व्यवस्था समाप्त हुई। जमींदारी एवं जमींदारों के वर्ग में परिवर्तन हुआ। भूमि पट्टे पर भी दी जाने लगी तथा मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करवाया जाने लगा। साथ ही एक नया मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ, जो भूतपूर्व जमींदारों का था। कई स्थानों पर भू सुधार कानूनों के कारण कृषक व्यवस्था में तनाव भी पैदा हुए। खुसरो ने आंध्र के अध्ययन में बताया कि यहाँ भू सुधार कानूनों के परिणाम स्वरूप स्वयं की भूमि पर कृषि करने वाले वर्ग की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई तथा फसल में साझेदारी पर खेती करने वालों एवं जोतकारों की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ी। इसी प्रकार देशमुख एवं मेहता ने बताया कि जो भूमि सुधार आंदोलन हुआ था, यहाँ जो नए नए कानून बने थे, इन कानूनों का अधिक लाभ मध्यम वर्ग को हुआ। पीसी जोशी ने जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार कानूनों के कारण कृषक वर्ग संरचना में होने वाले कुछ परिवर्तनों का उल्लेख किया है। जैसे इन्होंने जोशी ने बताया, जैसे सामंतवादी एवं परंपरागत जोत व्यवस्था की समाप्ति और उनके स्थान पर अधिक शोषणकारी असुरक्षित पट्टेकारी व्यवस्था का उदय हुआ। दूसरा परिवर्तन यह आया कि सामंती भूस्वामियों के स्थान पर नए व्यापारिक भूस्वामियों का उदय हुआ, जो कृषि करने के नवीन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हैं और कृषि को व्यापार समझते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, देश के विभिन्न भागों में गरीब कृषकों एवं खेतीहर मजदूरों ने वर्ग संघर्ष किए एवं तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा कृषकों को, इसलिए ये सब परिणाम हमें देखने को मिले। KL शर्मा ने राजस्थान के 6 गांवों का अध्ययन किया और अध्ययन करने पर यह पाया कि नवीन भूमि नीतियों के कारण भूतपूर्व भू स्वामियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और उनकी वर्ग परिस्थिति नीचे गिरी। इस प्रक्रिया को डॉक्टर शर्मा ने प्रोलिटरेरियनाइजेशन की संज्ञा दी। दूसरी तरफ गाँव में नए बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ, जो संपन्न कृषकों का है। गाँव में भूतपूर्व भू स्वामियों, व्यापारियों, कृषकों एवं कृषि मजदूरों के विभिन्न वर्ग हैं। ये वर्ग सामाजिक संस्करण बनाते हैं, जिनमें ऊंचे सिरे पर भूतपूर्व भू स्वामी और नीचे कृषि मजदूर हैं। इसी प्रकार आंद्रे बितई ने तंजोर के श्रीपुरम गांव के अध्ययन के दौरान जाति एवं वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किया और ये दोनों वहाँ परस्पर व्यापी हैं। यह सारा उल्लेख ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली वर्ग व्यवस्था का है। देश की 69% जनसंख्या ग्रामीण वर्ग व्यवस्था में ही रहती है। शहरों में वर्ग व्यवस्था एक लंबे समय तक गांवों के समान थी, लेकिन औद्योगिकरण, मशीनीकरण एवं नवीन राजनीतिक व्यवस्था ने शहरों में नवीन वर्ग को उत्पन्न किया। जब शहरों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए तो उनमें काम करने के लिए गांवों से हजारों की संख्या में लोग आने लगे और शहरों में औद्योगिक श्रमिकों का एक नया वर्ग बन गया। नवीन प्रशासन ने भी नौकरशाही प्रशासक वर्ग एवं व्यापार में जो मध्यम वर्ग था, उसका जन्म हुआ। धीरे धीरे उद्योगों के मालिकों का एक वर्ग बना, जिसे हम पूंजीपति या बुर्जुआ कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में गांवों एवं शहरों में भिन्न भिन्न वर्ग पाए जाते हैं। गांवों के में जो वर्ग हैं, उन वर्गों का संबंध भू स्वामित्व, कृषि एवं जाति से जुड़ा हुआ है, जबकि शहरों में व्यापार एवं औद्योगिकरण से। इस संदर्भ में माइकल यंग ने लिखा है, भूमि ने जाति को एवं मशीन ने वर्गों को जन्म दिया।
भारत अब भी एक कृषि प्रधान देश है। शहरों में निवास करने वाले एवं उद्योगों में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं है। कई समाजशास्त्रियों ने यह भी बताया कि भारतीय श्रमिक वर्ग जाति, परिवार, गांव एवं क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त नहीं है। इसलिए भारत में औद्योगिक शक्ति का सामाजिक स्तरीकरण पर विशेष प्रभाव नहीं है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि जो जो देश में औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं यातायात के साधनों में वृद्धि होगी, भारत में पश्चिम प्रकार की वर्ग व्यवस्था स्पष्ट रूप से ग्रहण करेगी। समाज में उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्गों के बीच एक स्पष्ट अंतर करना एवं सीमा निर्धारण करना संभव हो सकेगा। भारत में गांवों एवं शहरों में वर्ग रचना में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हैं। इसीलिए जो वर्ग हमें गांवों में देखने को मिलते हैं वो वर्ग भूमि या जाति के आधार पर हैं, और जो वर्ग हमें शहरों में देखने को मिलते हैं वो मशीनों के आधार पर बने हुए हैं। इस प्रकार से विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार, विभिन्न समाजों के अनुसार भारत में जो सामाजिक वर्गों की संरचना है वो समाज के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई। जागीरदारी व्यवस्था में हमें वर्ग अलग प्रकार के देखने को मिले, रैयतवाड़ी व्यवस्था में अलग प्रकार के, और अंग्रेजों के आने के बाद या पश्चिमी समाज से संपर्क स्थापित होने के बाद अलग प्रकार के वर्ग भारतीय समाज की संरचना में पाए जाने लगे। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय गांवों में वर्ग व्यवस्था के बारे में। गांवों में प्रमुख तीन वर्ग पाए जाते हैं। पहला मालिक, जमींदार एवं साहूकार वर्ग, दूसरा किसान वर्ग और तीसरा मजदूर अथवा भूमिहीन श्रमिक वर्ग। ये तीन प्रकार के वर्ग हैं जो भारतीय गांवों में पाए जाते हैं। भारतीय गांवों की जो वर्ग व्यवस्था है वो इन तीन वर्गों तक सीमित है। इसमें सबसे पहला मालिक, जमींदार एवं साहूकार वर्ग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ग्रामीण वर्ग व्यवस्था में सर्वोच्च समूह मालिक, जमींदार एवं साहूकार का है। ये सबसे ऊंचे हैं, इसीलिए इसको सर्वोच्च समूह कहा गया है। इन लोगों के पास गांव की अधिकांश भूमि होती है। ये अधिकांशतः उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए आदि लोग होते हैं। उच्च जाति की सदस्यता, भूस्वामित्व एवं व्यवसायिक पवित्रता के कारण इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी ऊंची होती है। इस वर्ग के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। ये अधिक शिक्षित, सुविधा संपन्न एवं शक्तिशाली हैं। ये लोग दूसरे लोगों को अपनी भूमि किराए पर देते हैं अथवा मजदूरों द्वारा उस भूमि पर कार्य करवाते हैं। ये लोग साहूकारी का कार्य भी करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर किसानों को ऋण भी देते हैं। यह वर्ग गांव में सबसे छोटा किंतु प्रभावशाली होता है, और प्रभावशाली होने के पीछे कारण यह रहा, एक तो गांव की जो अधिकांश भूमि होती है वो भूमि इनके पास में होती है, और दूसरा जो इनका जीवन स्तर होता है वो जीवन स्तर प्रारंभ से ही अच्छा रहा है। ये शिक्षित रहे हैं, सुविधा संपन्न रहे हैं, इसलिए शक्तिशाली भी होते हैं। तो शक्तिशाली होने के साथ साथ ये प्रभावशाली भी होते हैं। ये सबसे पहला वर्ग है जो भारतीय गांवों की वर्ग व्यवस्था में पाया जाता है। दूसरा वर्ग है किसान वर्ग। गांवों में दूसरा वर्ग किसानों का है, जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के स्वामी होते हैं और उन पर स्वयं ही कृषि करते हैं। कई बार जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो ये भू स्वामियों से किराए पर भूमि लेकर उस पर कार्य करते हैं अथवा कृषि मजदूरी द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। यह वर्ग जमींदारों एवं श्रमिकों के बीच का होता है, और इनका जीवन स्तर जो होता है वो इन भू स्वामियों से नीचा और मजदूरों से ऊंचा होता है, क्योंकि इनके पास कुछ सुविधाएं होती हैं इसलिए। लेकिन ये भू स्वामियों से नीचा जीवन यापन होता है और मजदूरों से ऊंचा होता है। तीसरा वर्ग है मजदूर अथवा भूमिहीन श्रमिक वर्ग। इस वर्ग का स्थान गांव में सबसे नीचा है। ये लोग दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक ओर इस वर्ग की संख्या गांव में सर्वाधिक है तो दूसरी ओर इनकी आय सबसे कम होती है। इसके पीछे कारण यही है, क्योंकि प्रारंभ से इनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है
और ये दूसरे लोगों के खेतों पर मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं क्योंकि इनके पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं होती है। तो इनका जो जीवन स्तर है वो सबसे नीचा और इनकी आय भी सबसे कम पाई जाती है। ये वर्ग संरचना है जो भारत के गांवों में पाई जाती है। तीन प्रकार के वर्ग, मालिक, जमींदार एवं साहूकार, दूसरा किसान और तीसरा मजदूर अथवा भूमिहीन श्रमिक वर्ग, जिसके पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं होती है। ये तीनों ही वर्ग भारतीय गांवों में पाए जाते हैं, किंतु यह वर्ग संरचना भी वर्तमान में जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार कानून, सामुदायिक विकास योजना एवं पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावों के कारण परिवर्तन के दौर में है और परंपरात्मक स्वरूप के स्थान पर अब नवीन स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। ये विभिन्न जो कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रभाव गाँवों में आया है, उस प्रभाव के बाद में भारतीय गांवों में जो ये वर्ग व्यवस्था पाई जाती थी, इस वर्ग व्यवस्था में भी नवीन स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। नवीन प्रकार के वर्ग अब ग्रामीण परिवेश में भी हमें देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।